अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मरियम कौसर। आज हम एक बहुत ही रियल इस्टेट में जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात करने लगे हैं। आप जानते हैं आईटी मार्केट शिफ्ट हो रही है, आप जानते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मार्केट शिफ्ट हो रही है, उसी तरीके से रियल इस्टेट पे भी ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। रियल इस्टेट में बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, आप अपनी फिक्स्ड इनकम की बात कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट की बात कर सकते हैं, मगर उसी के साथ एक मॉडल न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है सर्विस अपार्टमेंट्स का। जी हाँ, सर्विस अपार्टमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताती चलूँ। मैं भी ट्रैवल करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है, रहना कहाँ है, अकोमोडेशन कहाँ होनी है। नॉर्मली हम होटल्स की जानिब जा रहे होते हैं, बट होटल्स के बढ़ते हुए किरायों की वजह से और उसी के साथ साथ वो ऐसी सर्विसेज भी हमें चार्ज कर रहे होते हैं जो हम यूज़ तक नहीं कर रहे होते, मगर उसी के साथ साथ आप अगर एक रूम अपना होटल में रूम ले रहे होते हैं तो वहाँ सिर्फ आप रुक सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं रुक सकता। लेकिन सर्विस अपार्टमेंट समझें आपका दूसरा घर है, होम टू होम। आप अपने घर से, आप किसी भी शहर से कराची अगर आप आ रहे हैं और सर्विस अपार्टमेंट के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो यानी आपको एक दूसरा घर मिल जाता है जिसमें आपकी सबसे बड़ी फैसिलिटी, आपको किचन मिल रहा होता है, लॉन्ड्री सर्विसेज मिल रही होती हैं, सीसीटीवी कैमरा की फैसिलिटी आपको मिल रही होती है, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कि शुफर सर्विस आपको अवेलेबल होती है जो आपको होटल में अवेलेबल होती है। उसी के साथ साथ आप जब रेंट पे अगर आप किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे होते हैं तो वहाँ आपको अपना पूरा एक रेंटल मॉडल क्रिएट करना पड़ता है, आपको रेंटल एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर आपको ये देखना होता है कि आप एक साल के लिए आ रहे हैं, दो साल के लिए आ रहे हैं। लेकिन वॉट इफ कि अगर आपको सर्विस अपार्टमेंट की सूरत में एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है कि जहां आप 3 महीने के लिए भी अगर आ रहे हैं तो आपको होटल जाने की जरूरत नहीं है, आप उस सर्विस अपार्टमेंट को यूज कर सकते हैं, आपको कोई रेंट का एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सर्विस अपार्टमेंट में रहते हुए वो रेंटल फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई उन लोगों की जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, अब उनको सर्विस अपार्टमेंट का सॉल्यूशन दे रहा है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बीटी सर्विस अपार्टमेंट की सूरत में बहरिया टाउन कराची में। बहरिया टाउन कराची की बात आए तो इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं और बीटी सर्विस अपार्टमेंट आप इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो किस तरीके से कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, लेट से आप एक अपार्टमेंट ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल आपके जहन में भी आ सकते हैं कि एक इन्वेस्टर बीटी सर्विस अपार्टमेंट की जानिब क्यों आएगा। तो जनाब, अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, आप चार दीवारी खरीदते हैं, वो आप 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ के खरीदते हैं, उसके बाद आपको उसके अंदर बहुत सारा फर्निश्ड का सामान भी डालना पड़ता है, मेंटेनेंस उसका, ड्राइंग रूम सेट करने हैं आपको, उसका बेडरूम सेट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद अगर आप एक लैंडलॉर्ड बनते हैं, किसी को रेंट पे वहाँ पे रखते हैं, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल भी झेलने पड़ते हैं जिसमें आपको कभी मोटर ठीक करवानी है, कभी लाइटिंग ठीक करवानी है, कभी कोई फॉल सीलिंग हो गई, कभी कोई इशू हो गया, सब कुछ आपको संभालना है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी रेंटल इनकम भी इन्जॉय कर सकें, तो वो आप सर्विस अपार्टमेंट के इन्वेस्टर के तौर पे इन्जॉय कर सकते हैं। आपने ख़रीदना है सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी को, फिर मैं कहूँगी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ में, और उसके बाद उसकी पूरी फर्निशिंग, उसकी मेंटेनेंस, सब कुछ जिम्मेदारी है बिल्डर एंड डिवेलपर की, जो कि वो सर्विस अपार्टमेंट आपको दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर कोई मेंटेनेंस का मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिल्डर आपको उसको लुक आफ्टर करेगा। एंड ऑफ द मंथ जब हम बात करते हैं एक रेंटल इनकम की, क्योंकि अगर आप एक लैंडलॉर्ड बन के रहना चाहते हैं तो रेंटल इनकम आपको कितनी मिलेगी, 35,000 रुपये। चले बहरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कितनी होगी, 40,000 रुपये, हद से हद 50,000 रुपये। 50,000 में आपका पर डे, क्योंकि देखें ना, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका हक है कमाना कि आप पर डे कमाएं, और उसमें आप 1200 रुपये, 1500 रुपये आपका बनता है। लेकिन एक सर्विस अपार्टमेंट में आपका पर नाइट 5,000 रुपीज़ आपको ऑफर किए जा रहे होते हैं एक सर्विस अपार्टमेंट के एंड यूज़र को। वो होटल में 16,000 दे तो इससे बेहतर कि वो 5,000 में सर्विस अपार्टमेंट की फैसिलिटी यूज़ करेगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, ये आपके बन जाते हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये में से अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बिल्डर डिवेलपर है, वो आपको जिस भी परसेंटेज पे ऑफर करता है, 1 लाख रुपये भी अगर आपको देते हैं, साल में आप 12 लाख रुपये कमाते हैं। आपका फिक्स्ड एसेट, एक इन्वेस्टर के लिए मैं एक बात बताऊँ, आपने जितने में भी परचेज किया, फिक्स्ड एसेट आपका 10% 20% बढ़ता है, जो हमेशा आपकी फाइल रेडी है, आप कभी भी सेल कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आप रेंटल इनकम भी इंजॉय करते हैं। एक लैंडलॉर्ड जो अपना अपार्टमेंट रेंट पर देता है, अगर उसने 3 साल के लिए कहीं एग्रीमेंट कर लिया और वो वापस अपने अपार्टमेंट में रहना चाहे, तो 3 साल से पहले उस रेंट एग्रीमेंट को ख़त्म करने पे उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि किराएदार वहाँ रह रहा होता है, बहुत सारे लीगल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन सर्विस अपार्टमेंट के मॉडल में आपको ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका जब सर्विस अपार्टमेंट अवेलेबल है, आप ख़ुद भी वहाँ आकर स्टे कर सकते हैं।
बीडी सर्विस अपार्टमेंट की सूरत में मिल रही हैं आपको ये तमाम फैसिलिटीज़। और इसमें मज़ीद एक मज़ेदार बात यह है कि ख़वातीन के लिए बहरिया टाउन कराची यकीनन एक बड़ी सिक्योर प्लेस है। तो बिज़नेस वुमेन जो ट्रैवल कर रही होती हैं, एंड यूज़र्स हमारे जो भी हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिज़नेस वुमेन जो ट्रैवल कर रही होती हैं वो यहाँ आके स्टे कर सकती हैं। फिर फैमिली सर्विस अपार्टमेंट है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली क्योंकि शहर का बड़ा बेहंगम ट्रैफिक होता है, नॉर्मली जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं जब आप होटल में स्टे करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना एक घंटा कहीं नहीं गया आपको उस शहर से ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं जाने के लिए। फिर अगर आप हैदराबाद साइड जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती जो कराची में। तो यही तमाम लग्जरी सर्विसेज, तमाम फैसिलिटीज़ बीटी सर्विस अपार्टमेंट आपको ऑफर कर रहा है। सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्योंकि न्यू है लेकिन आई थिंक आपको इससे एक अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट हुई होगी। सर्विस अपार्टमेंट पूरी दुनिया में फ्लॉरिश कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म टूरिस्ट जो होते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी होती है। फिर मैं वही बात कहूँगी, होम टू होम, आप अपने एक घर से एक और मिनी होम में शिफ्ट हो जाते हैं। बीटी सर्विस अपार्टमेंट में स्पेशली जो आपको एक ज़बरदस्त फैसिलिटी मिल रही है वो है कैलिफोर्निया क्लब की। नॉर्मली आप किसी भी होटल जाएं, आप किसी भी क्लब जाएं तो वहाँ पे मेंबरशिप इजीली टेनेंट्स को अवेलेबल नहीं होती, आप एमिनिटीज़ इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशली फॉर आवर इन्वेस्टर्स लाइफ टाइम मेंबरशिप अपॉर्चुनिटी है कैलिफोर्निया क्लब की। हमारे टेनेंट्स भी उस मेंबरशिप को इंजॉय कर सकते हैं जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है जहाँ जकूजी, सोना बाथ और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ओपन एयर कैफेटेरिया है जहाँ पे आप अपनी सोशल लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, फिटनेस सेंटर्स हैं, उसी के साथ साथ ऑडिटोरियम है, आप अपनी बिजनेस मीटिंग, अपने प्रोग्राम्स वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक बीटी सर्विस अपार्टमेंट की सूरत में कैलिफोर्निया क्लब की फैसिलिटीज़ का मिलना एक उस बंदे के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है और ऑलरेडी इतनी अच्छी उसको सर्विसेज मिल रही है, एक बड़ा ज़बरदस्त की पॉइंट है। बीटी सर्विस अपार्टमेंट आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो देर मत करिए, इन्वेस्टर से भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं रेंटल इनकम मॉडल के साथ तो सर्विस अपार्टमेंट, बीटी सर्विस अपार्टमेंट आपके लिए अवेलेबल है। और एंड यूजर्स ऑब्वियसली बहरिया टाउन कराची है, आपको एंड यूजर की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जितने घर हैं जब इनकी फैमिलीज में शादियाँ होंगी, इनके यहाँ गेस्ट आएंगे, ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं ठहराना होगा तो बीटी सर्विस अपार्टमेंट एक वाहिद सॉल्यूशन होगा। तो यही आपका टाइम है साल 2022 जिसमें आप अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके अच्छे गेन ले सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तमाम सेल्स टीम अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है, देर मत कीजिए। फिर मैं कह रही हूँ ये मौका फिर नहीं आएगा।